Thanks. So, this is how it's gonna be. माने, अब मैंने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, तुमने तुमने कुछ किया नहीं है. But thanks. Wow. अब इतना ही formal होना पड़ेगा ना हमें. ये समझ नहीं आ रहा कि हम है क्या माने. मुझे पता है कि ध्रुव अगर ये फ्यूजन कॉन्सर्ट में रहेगा तो तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे. एंड यू डूइंग अ राइट थिंग. ध्रुव की खुशी तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. पर मानिक फिर हम क्या हार मान गए इतनी जल्दी? So you've decided, you have accepted कि मैं जीत के I won. Listen, चलो let's just change this challenge. Or maybe let's make it easier. What's it? Manik, I'm very tired. I have no energy for any more challenges of yours. I had all my hopes on the fusion concert. और अब वो सारा होप हार गया. कोई होप नहीं जबकि फ्यूजन कॉन्सर्ट शुरू भी नहीं हुआ. मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. मानिक ये क्या कर रहे हो तुम? चेक कर रहा हूँ. क्या क्या ये वही नंदिनी मूर्ति? मुझे सेड कि उसके पास लाइफ में ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं जिस नंदिनी मूर्ति को जानता हूं शी नेवर गिव्स अप. कॉन्सर्ट शुरू भी नहीं हुआ और अभी से कह रही हो कि ऑप्शंस नहीं है. मतलब ये कि नंदिनी मूर्ति योर होप स्टिल हैज अ चांस टू विन. It's not over till it's over, Nandini. Always remember that.
जी। तामाद जी। हाँ कबीर जी, देखो हमने उनके लिए कितना अच्छा खाना बनाया है। उनके लिए? कबीर जी को मनाना है ना, मस्का तो लगाना पड़ेगा। किस चीज के लिए अम्मा? शादी के लिए और क्या। अम्मा तुम हमारा साथ दो, हम माँ बेटी मिलके उन्हें तुम्हारा पति बनाए। अम्मा कबीर हमारा पति नहीं हो सकता। क्या बुराई है लड़के में? लड़के So guys, आज का दिन तो खत्म हो गया है, रात के 12 बज चुके हैं और रात लेकिन अभी बाकी है, दिन खत्म हुआ। So enjoy with RJ Raman जिसका शो आने वाला है आपके साथ, रात बाकी बात बाकी, और आप उसके साथ गाने सुनते रहिए, साथ रहिए, क्योंकि मैं फिलहाल जा रहा हूँ, आपको कल मिलूंगा शाम को सेम टाइम सेम प्लेस। What's up? पूरी तैयारी के साथ आया। इधर कैसे? मतलब वर्ल्ड के कूलेस्ट आरजे से मिलने आया हूं मैं। रियली कूलेस्ट? हाँ बहुत फेक था, पर ठीक है, आई विल टेक इट। फेक नहीं भाई, लिसन आई मीन इट, नो सीरियसली, ये सब देखकर सीरियसली आई एम हैप्पी फॉर यू। यू आर हैप्पी फॉर मी? ऑफ कोर्स। पर तू क्यों सैड? बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं कि नहीं बोलूं? बोल ही दे, आखिर तू आया भी यहां पे इसीलिए ना। या वो नंदनी पता नहीं क्या सोच रही हो। देख मैंने उससे कहा था कि अगर हम साथ में परफॉर्म करेंगे एट द फ्यूजन कॉन्सर्ट तो देयर विल बी होप, होप फॉर अस टू बी टुगेदर। सो देयर इज अ डाउट अभी भी, आर यू सीरियस? यार मेरे सीरियस होने से या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, व्हाट मैटर्स इज नंदिनी जिद पकड़ के बैठी है कि परफॉर्म करेंगे तो साथ में एट द फ्यूजन कॉन्सर्ट और एल्स नॉट। पर अब ध्रुव ने तुझे रिप्लेस कर दिया कॉन्सर्ट के लिए, और इसी के साथ तेरी उस होप की बैंड बज गई। ऑनेस्टली तूने जब ये कंडीशन जो रखा तूने होप वाला, डू यू रियली मीन इट? टेल मी, बोलना। तो अब हमारा ध्रुव पागल हो चुका है, और इसी के साथ यू आर लेटिंग इट गो, द चांस, द होप। आई कांट डू एनीथिंग, बट आई एम श्योर यू नो कि अगर तू कुछ नहीं करेगा तो नंदनी और ज्यादा हर्ट हो जाएगी। क्या करूं मैं? ध्रुव को जाके बोल दूं कि ध्रुव स्टेप डाउन फ्रॉम द कॉन्सर्ट, लेट मी हैंडल इट? नो, देयर इज नो चांस, क्योंकि ध्रुव तेरा नाम सुनते ही भड़क जाता है, ऐसा बिहेव करता है जैसे जैसे उसको पहले अटका देते। सॉरी ध्रुव, आई ट्राइड टॉकिंग टू ध्रुव टुनाइट, पर वो तो मुझसे गुस्सा है। हाँ I have a plan. और अगर ये प्लान काम कर गया ना तो we'll be able to get a friend back. And Nandini. And concert में हम दोनों साथ परफॉर्म कर भी पाए। और आइडिया क्या है?